हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है एक क्रीम पे, और ये क्रीम जो है ना बहुत कम प्राइस में है। अक्सर मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कम प्राइस में कोई ऐसी क्रीम बता दो जो स्किन को मॉइस्चराइज भी करे, हाइड्रेट भी रखे, ग्लो भी आए, पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करे, डार्क स्पॉट भी रिड्यूस करे, एक्ने पे भी काम करे, मतलब कुल मिला के सारे काम हो और प्राइस भी कम हो। तो ऐसे आज एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ, कोजे केयर पपाया स्किन लाइटनिंग क्रीम है, जो कुछ इस तरह से। इसका प्राइस बहुत कम है, आप मान के चलो 130, और इसमें आपको एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात ये है, प्राइस भी कम है, कोई भी एक्स्ट्रा आपको पे नहीं करना है, जितना प्राइस है उतना ही पे करना है। इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसके थ्रू आप इसे बाय कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इस क्रीम के बारे में। हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो प्राइस है 138, इससे एक रुपये ना कम ना ज़्यादा। ये सिर्फ आपको मिलेगी 138 की। अब बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन की। इसमें जो मेन कंपोजिशन है वो सिर्फ चार है, और एक जो है भाई नाम से ही पता चल रहा होगा कि कोजे केयर है, तो भाई कोजे कैसेट तो होगा ही होगा, कुछ हो या ना हो कोजे कैसेट तो होगा ही होगा। सेकेंड है इसमें अल्फा बुटीन, थर्ड है नियासिनामाइड, फोर्थ है पपाया। तो ये फोर इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि काम करते हैं बहुत सारे क्लेम पे। क्लेम तो इतने सारे दिए हैं ना इस क्रीम ने, बहुत ज़्यादा। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं इसके क्लेम पे। तो क्लेम क्या है इसके, ये क्लेम कर रहा है कि आपके पिगमेंटेशन को रिड्यूस करेगा, डार्क स्पॉट को रिड्यूस करेगा, रिंकल्स को भी रिड्यूस करेगा, साथ में एंटी एजिंग में भी काम करेगा, पिगमेंटेशन में भी काम करेगा। शायद मैं दोबारा बोल रही हूँ, मतलब इतने सारे इसके रिजल्ट हैं कुल मिला के। मतलब जो भी आपके फेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है ना, चाहे एक्ने हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, मेलास्मा हो गया, डार्क स्पॉट हो गया, डलनेस हो गई, सब पे ये क्लेम कर रहा है। लेकिन इसका रिजल्ट जानना ज़रूरी है कि भाई ये काम किस किस पे करेगा। क्लेम तो सारे दे रखे हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि सारे क्लेम पे इसका रिजल्ट बैठे, है ना। कुछ चीज़ें इसमें हैं जिन पे ये वर्क नहीं करेगी, और कुछ चीज़ें हैं जिसमें ये बिल्कुल वर्क करेगी। तो सिर्फ हमारा फोकस रहेगा इसके रिजल्ट पे, रिजल्ट जान लेना, उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे आपको इस प्रोडक्ट को बाय करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ और है कि भाई कई लोग ऐसे कॉमेंट भी करते हैं कि क्या मैंने इसे ट्राई कर सकते हैं, जैसे वुमेन के लिए है। नहीं, टारगेट जेंडर की बात करें तो मैन वुमेन दोनों ही ट्राई कर सकते हैं इस क्रीम को। और डे टाइम तो अप्लाई नहीं करना है, जितने भी जो भी प्रोडक्ट है ना, भले डे टाइम वो क्लेम कर रहा हो, लेकिन किसी में भी इस तरह के कंपोजिशन हो, अल्फा बुटीन हो, नियासिनामाइड हो, हाइलुरोनिक एसिड हो, या फिर इस तरह के जो भी प्रोडक्ट होते हैं ना, इनको डे टाइम आपको नहीं ट्राई करना है, नाइट में ही ट्राई करना है आपको, ठीक है। एक और ये नॉन अग्रेसिव फार्मूला है, लाइट वेट है ऐसा क्लेम कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ इस टाइम अगर आप इसे यूज़ करोगे ना तो ये नॉन अग्रेसिव को फेल कर देगा। इसे विंटर में अच्छा काम करेगा कि हाँ भाई नॉन अग्रेसिव फार्मूला है, वरना ये आपको बहुत ज़्यादा ऑयली करेगा। लाइट वेट फार्मूला है, बट ये कुछ टाइम बाद जैसे आप अप्लाई करोगे, अब जॉब हो जाएगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये ऑयली कर देगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट की। तो सबसे पहला रिजल्ट इसका मिलेगा ग्लोइंग स्किन पे। आप नोटिस करोगे 5 से 6 दिन में कि आपकी स्किन जो है वो ग्लो कर रही है, साथ में पिगमेंटेशन पे इसका कोई भी रिजल्ट नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रही हूँ, पिगमेंटेशन के लिए कुछ और ट्राई करो। 138 में आप सोच रहे हो कि पिगमेंटेशन सामने जा पालोगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। और इसके अलावा ये काम कर रहा है एंटीजिंग में, हाँ बिल्कुल ही एंटीजिंग पे काम करेगा, क्योंकि इसमें नियासिनामाइड है जो कि एंटीजिंग का एक एजेंट है, और अच्छे से ये काम करता है। डार्क स्पॉट को ये हल्का कर सकता है, बट जड़ से ये नहीं मिटा सकता। पिगमेंटेशन में इसका कोई भी वर्क नहीं है। और डलनेस की बात करें तो जाहिर सी बात है डलनेस आपकी कम होगी, एक हाइड्रेट रखता है स्किन को, लेकिन ऑयल स्किन के लिए इस टाइम जो इस टाइम का टेम्परेचर हो रहा है 45-43, तो इस टाइम ये क्रीम डे टाइम तो बिल्कुल भी भूल के नहीं लगाना है, रात के टाइम लगा के सो जाओ, सुबह इसके रिजल्ट देखो आपको अच्छे मिलेंगे, स्किन ग्लो करेगी। एक और इसका रिजल्ट है स्किन लाइटनिंग। तो क्या स्किन लाइट में ये काम करेगा, बेशक ये काम करेगा। आप नोटिस करो कि आपका स्किन टोन जो है इम्प्रूव हुआ है, लेकिन सोचना है कि 2 से 3 शेड तक आपके स्किन को ये इम्प्रूव कर देगा या ब्लैक से वाइट कर देगा, ये सब कुछ नहीं करने वाला है। बस ये है कि आपको इतना रिजल्ट मिल जाएगा कि हाँ भाई अपने इसने हमारे स्किन टोन को इम्प्रूव किया है, मतलब हम पहले जो हमारा स्किन कलर था उससे हम काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। तो रिजल्ट मैंने बता दिए, किसी को भी ट्राई करना हो तो उसे ट्राई कर सकता है। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, पैराबिन फ्री है, ये ऐसा क्लेम कर रहा है, लेकिन इसमें पैराबिन प्रेजेंट है। आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें पैराबिन है। तो चलिए मिलते हैं अपने किसी नए प्रोडक्ट के साथ, किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।